Method of determining the stability. Routh Hurwitz criteria. Routh Hurwitz criterion is the algebraic method of determining the location of poles of the characteristic equation with respect to the left half and right half of the S plane without actually solving the equation. Routh Hurwitz criteria एक इस तरह का method है जिसकी help से अपन एक स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं. इसका पूरा प्रोसीजर अपन चेक कर लेते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे. लेट अस कंसीडर द करैक्टरिस्टिक इक्वेशन. करैक्टरिस्टिक इक्वेशन अपन को ये गिवन है. इस करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को अपन n इक्वल टू 6 के लिए यूज करेंगे, तो यहाँ पर एस टू दी पावर 6 हो जाएगा. यहाँ पर इस करैक्टरिस्टिक जो हायर ऑर्डर होगा, मतलब जो हायर पावर होगी, वहाँ से अपन उसको इस तरह लिख लेंगे एस टू दी पावर 6, एस टू दी पावर 5, एस टू दी पावर 4, एस टू दी पावर 3, एस टू दी पावर 2, एस टू दी पावर 1, एस टू दी पावर 0. और इस तरह लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे, इसमें ए जीरो, ए टू, ए फोर, ए सिक्स का कोफिशेंट लिखेंगे. यहाँ पर ए वन, ए थ्री, ए फाइव का कोफिशेंट लिखेंगे. इसके बाद में बी वन, बी थ्री, बी फाइव को अपन को फाइंड करना होगा. बी वन, बी थ्री, बी फाइव को फाइंड करने के लिए अपने यहाँ पर फॉर्मूले दिए हैं. जैसे बी वन फाइंड करने के लिए क्या है, ए वन ए टू माइनस का ए जीरो ए थ्री अपन ए वन. इसका मतलब है कि अपन ए वन को ए टू से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगाएंगे, ए जीरो को ए थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और ए वन से ही डिवाइड कर देंगे, जैसा ये फॉर्मूले में लिखा है. जैसे जब ए थ्री अपन जो फाइंड करेंगे तो ए वन का ए फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगाएंगे ए जीरो का ए फोर से मल्टीप्लाई करेंगे और ए वन से डिवाइड कर देंगे, जैसे बी थ्री का ये फार्मूला लिखा है. सेम ऐसे बी फाइव को फाइंड करेंगे, बी फाइव को फाइंड करने के लिए ए वन का ए सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगाएंगे ए जीरो का जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, ए वन से डिवाइड करेंगे, तो अपना बी सिक्स ए सिक्स आ जाएगा. अब अपना बी वन, बी थ्री, बी फाइव फाइंड कर लिया. अब अपन को ए सी वन और सी थ्री फाइंड करना है. सी वन फाइंड करने के लिए बी वन का ए थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लाएंगे ए वन का बी थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और बी वन से डिवाइड कर देंगे, तो अपना सी वन आ जाएगा इस फॉर्मूले से. ऐसे सी थ्री को जो फाइंड करेंगे तो बी वन का ए फाइव से माइनस का ए वन का बी फाइव से और बी वन से डिवाइड कर देंगे, तो अपना सी वन आ गया. सी वन और सी थ्री की वैल्यू लिख लेंगे. अब सेम अपन डी वन और डी थ्री फाइंड करेंगे. डी वन फाइंड करने के लिए ये अपना फॉर्मूला है जिसमें सी वन बी थ्री माइनस का बी वन सी थ्री अपन सी वन, सी वन बी थ्री माइनस का बी वन सी थ्री अपन सी वन, तो अपना डी वन आ जाएगा. डी थ्री फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सी वन का बी फाइव से माइनस का बी वन का जीरो से सी वन से डिवाइड कर देंगे, तो अपना डी थ्री आ जाएगा. तो डी वन डी थ्री आ गया. इस तरह ई वन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डी वन का सी थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगाएंगे सी वन का डी थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और डी वन से डिवाइड कर देंगे, अपना ई वन आ जाएगा. नोट द नंबर ऑफ चेंजिंग ऑफ साइन इन द फर्स्ट कॉलम इक्वेशन ऑफ राउट हर्ट्ज एरे गिवन द नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल. ये नोट लिखा है, इसमें ये बताया गया है कि अपन जो जो फर्स्ट कॉलम है राउट हर्ट्ज क्राइटेरिया का, उसको चेक करेंगे और अपन इसमें ये देखेंगे कि कितनी बार अपना साइन चेंज हुआ है. अगर जितनी बार अपना साइन चेंज होगा उतने ही अपने रूट्स पॉजिटिव साइड में रहेंगे, पॉजिटिव एस प्लेसमेंट में रहेंगे और अपना सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा.